रीवा में सेना के एक जवान ने पैसा दुगना करने के नाम पर कई लोगों के साथ करोड़ों की ठगी कर डाली। उसने लोगों को झांसा देने के लिए लग्जरी गाड़ी, मोबाइल, सोने के आभूषण दिखाकर नजदीकियों को दिखाकर भरोसा जीता और फिर उनके साथ ठगी की। यूं तो इंडियन आर्मी के जवान देश की हिफाजत के लिए सोचते हैं, जान की बाजी तक लगाते हैं, लेकिन रीवा जिले के लौर थाना अंतर्गत घोरहा गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र यादव चिटफंड कंपनियों में पैसा लगाते लगाते खुद की फर्जी कंपनी बना डाली। इतना ही नहीं, अपने नजदीकी लोगों का भरोसा जीतने के लिए छोटी रकम लगाकर बड़ी रकम वापस की और फिर करोड़ों का वारा न्यारा कर दिया। निवेशकों को झांसा देने के लिए इस जवान ने 55 लाख रुपए कीमती लग्जरी फॉर्चुनर गाड़ी खरीद रखी, महंगे कपड़े, मोबाइल, सोने के आभूषण पहनकर गांव में ठाट बाट के साथ जाता था ताकि लोगों को लगे कि कम समय में इसने बहुत पैसे कमाए हैं। पुष्पेंद्र यादव अपने करीबी निवेशकों को लुभावनी स्कीमें बताई और उनके हर घंटे में रुपए बढ़ने का लालच भी दिया। इसने पैसे डबल करने के साथ ही रुपए के हिसाब से उन्हें रुपए देने के वादे भी करता रहा। पुष्पेंद्र यादव ने मुंबई की एक महिला से भी रुपए निवेश कराए थे और उसको यहाँ बुलाकर एक होटल में रह रहा था। पहले तो उसने एक निवेशक से रुपए लेकर दूसरे को लौटाए, लेकिन जब कई लोगों के पैसे देने में आनाकानी करने लगा तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। निवेशकों ने जिले के लौर थाना और सिटी कोतवाली में शिकायतें दर्ज करवाई है। ये सेना में 2015 से है और अभी पिछले 2 महीने से छुट्टी पे था और उसके बाद इसका कहना है इसने मेडिकल भेजा हुआ है। लोगों ने इसकी शिकायत की, पहले लौर में भी शिकायत की, उसके बाद यहाँ कोतवाली में भी शिकायत हुई। कुछ लोग यहाँ के रहने वाले थे, उनकी रिपोर्ट पर से प्राथमिक जांच पर से पाया गया कि इसके द्वारा लोगों से छल पूर्वक पैसा लिया गया कि हम उसका पैसा बढ़ा के देंगे। तरह तरह की स्कीम बताई गई लोगों को कि अगर आप 1 लाख रुपये देते हो तो उसका 10% के हिसाब से आपको 1 महीने बाद 1,10,000 वापस कर देंगे। अगर आप ज़्यादा अमाउंट देते हो तो 15,000 कर देंगे, और ज़्यादा अमाउंट देंगे तो आप 20% वापस करेंगे बढ़ा के, और ज़्यादा देंगे तो 50%, अगर आप 1 CR तक देते हो तो आपको 2 CR देंगे 1 महीने बाद। इस तरह की इसकी स्कीम इसने लोगों को बताई। धीरे धीरे लोगों ने पहले कम पैसे इन्वेस्ट किए, उनको इसने रिटर्न किया, एक से लेता था दूसरे को दे देता था, दूसरे से लेता था तीसरे को दे देता था, तीसरे से लेता था पहले को दे देता था, इस तरह से लगातार कर रहा था। और ऐसा करते करते इसने कई लोगों से पैसे लिए हैं। अभी कोतवाली क्षेत्र में जो FIR हुई है उसमें 3 फरियादियों ने वहाँ FIR की है, जिसमें से एक केस से 24 लाख रुपये, एक से 2 लाख रुपये, एक से 1 लाख रुपये की बात आई है। कोतवाली में इसके रूप 420 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना में लिया गया है। इसके साथ ही लौर में भी कुछ फरियादियों ने जाके लौर थाने में भी रिपोर्ट लिखाई है, लौर में भी 420 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। और भी फरियादी अभी सिविल लाइन थाने में है, इससे पूछताछ भी की है पुलिस ने और जानकारी भी ली जा रही है। ये कुछ समय पहले जब आया था लौर में और इसके बाद फिर अभी यहाँ कोस्टा के पास किसी होटल में रह रहा था अपने एक महिला मित्र के साथ में, तब कुछ इसके साथ के जो दोस्त थे सारे परिचित लोग हैं इससे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनजान व्यक्ति से पैसा लिया है इसने, ज़्यादातर इसके परिचित लोग ही हैं। उन परिचित लोगों से जो या तो दोस्त थे या कहीं ना कहीं से इसके करीबी थे, उनसे पैसा लिया, फिर उनको रिटर्न किया, फिर उनके द्वारा उनके साथियों से पैसे लिए। इस तरह से चैन बनाता गया और उनसे पैसे लेके उनको पैसा देने का जो क्रम था, अभी जब टूटा, ब्रेक हुआ इस मंथ के लास्ट में, तो लोगों को फिर चिंता हुई। लोगों ने फिर थोड़ा सा पूछताछ की, जानकारी लेने की कोशिश की, कभी तो उनको समझ में आया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इसी बीच क्या हुआ कि इसने एक गाड़ी ली, टोयोटा की फॉर्चुनर गाड़ी ली, लगभग 50-55 लाख की गाड़ी है वो, 4 व्हील। वो गाड़ी लेके भी काफ़ी घूम रहा था, तो लोगों को और भरोसा हो गया था इसके ऊपर कि ये संभवतः वास्तव में इसके पास कहीं से पैसा आ रहा है। ये बताता था कि मैं BTC ब्लैक एंड व्हाइट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वहाँ से पैसा कंपनी की पॉलिसी के तहत ही मिलता है। तो लोगों को ये भरोसा लगातार हो रहा था। जब इसके पास गाड़ी देखी, अच्छे अच्छे फ़ोन देखे, अच्छी घड़ी देखी, तो लोगों ने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के साथ साथ लोगों को जो भरोसा था वो कायम बनाने के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताई। जब ये पैसा नहीं दे पाता था तो लोगों से बोलता था क्यों वापस ले रहे हो, और इन्वेस्ट कर दो, और अच्छी स्कीम आ गई। यहाँ तक की बात आई कि हर घंटे की तरह कि हर घंटे में आपको परसेंटेज मिलेगा, इस तरह की स्कीमें भी लोगों को बताएं इसने, तो लोगों को भरोसा थोड़ा सा बना रहा। लेकिन जब पैसा लौटाना इसके लिए संभव नहीं हो पाया, गाड़ी ले ली, कुछ ऐसा काम कर लिए बड़े बड़े, तो फिर जब लोगों को लगा कि अब कुछ गड़बड़ कर रहा है या देना नहीं चाह रहा है या कंपनी ऐसा हो गया, फिर लोगों को इसने बताया कि नहीं मेरा वो व्हाट्सएप जो था वो बंद हो गया, फिर कंपनी का वहाँ का ऑफिस का एड्रेस बताया, लोगों ने तस्दीक की, पता किया, बोले वहाँ तो कोई ऐसा ऑफिस है ही नहीं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हुआ। फिर लोगों ने शिकायत की, उस शिकायत के आधार पर पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। इस धोखाधड़ी में लगभग कितने करोड़ का वारा न्यारा हुआ?
अब ये तो अभी बैंक के स्टेटमेंट से, इसके अकाउंट से, इसके पास चार अकाउंट की जानकारी अभी तक मिली है, जिसमें दो SBI के अकाउंट है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का और एक इसका पेटीएम अकाउंट है। पेटीएम अकाउंट का ट्रांजेक्शन वगैरह मोबाइल पर चेक किया तो उसमें करीब 1 करोड़ के आसपास का ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है। स्टेट बैंक के मतलब जो स्टेट SBI का जो स्टेटमेंट चेक किया कराया गया उसमें भी काफ़ी बड़ी मात्रा में अमाउंट का लेन देन है। लोगों के बताए अनुसार, इसके खुद कहे अनुसार, लगभग 2 से 3 करोड़ के आसपास का लेन देन का इसका हिसाब का किताब रहा है। कुछ लोगों के इसने पैसे लौटाए भी हैं, कुछ लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है इससे, और कुछ लोग जो इसमें और लगाते रहे हैं उन लोगों का पैसा इसके पास फंसा रह गया, इसी कारण से लोगों ने इसके खिलाफ फायर किया। सर, इस पूरे फ्रॉड में महिला का भी नाम आ रहा है जो मुंबई की रहने वाली। हाँ, ये जो मैंने बताया आपको, जब ये आया हुआ था तो ये अपनी कोस्टा में रायपुर थाना क्षेत्र में एक अपनी महिला मित्र के साथ में रह रहा था। उस महिला मित्र का भी महिला थाने में प्रभारी के द्वारा बयान लिया गया था, पूछताछ की गई थी। उस पूछताछ में निकल के आया था कि उसकी बहन का भी इसने पैसा इन्वेस्ट करा रखा है 1-2 लाख रुपये के आसपास, और ये महिला मित्र उसके साथ रह रही थी, और इसके इन्वॉल्वमेंट वगैरह के संबंध में पुलिस ने जांच पड़ताल की प्राथमिक रूप से। जब लगा कि उसका कोई इसमें लेन देन नहीं है तो उसको छोड़ दिया गया था। आरोपी भी मेरठ में पदस्थ है। फिलहाल पुलिस इस धोखाधड़ी से जुड़े तार को जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा।